general provisions uh, basically what general provisions we mean here actually we are providing the provisions to the uh, to the students that who are individually different so ability grouping this is one strategy that a teacher has a, a you know a big number of students in the class so usko us badi class ko deal kis Uh, जब टीचर ट्रेनिंग होती है तो उनको छोटी क्लास को पढ़ाने की स्ट्रैटीज़ और बड़ी क्लास को हैंडल करने की स्ट्रैटीज़ डिफरेंट बताई जाती हैं यहाँ पे एक स्ट्रैटी एबिलिटी ग्रुपिंग है अब बड़ी क्लास है अब आपकी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बच्चों को हो सकता है सेटिस्फाई ना कर रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जीनियस बच्चे एवरेज बच्चे और स्लो uh, लर्नर्स जो हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें जीनियस बच्चे को आप उसका लीडर बना सकते हैं इस तरह जब मुख्तलिफ एबिलिटीज़ के बच्चों को आप एक ग्रुप में बनाते हैं तो फिर सारे बच्चे एक दूसरे की यू नो एबिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं हो सकता है उनमें से आपने बच्चों को अब देख के ग्रुप्स बनाने हैं हो सकता है एक बच्चा मैथ्स में अच्छा हो एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा हो एक ड्रॉइंग में अच्छा हो तो ये सारी मिक्स जो एबिलिटीज़ हैं इस तरह के बच्चों को इकट्ठा करके जब आप ग्रुप बनाते हैं उससे बच्चे जो हैं बड़ा लर्न करते हैं लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस ग्रुप में जिसको लीडर बनाए वो ये ना हो okay, कि वो एक अथॉरिटेटिव लीडर बन जाए बच्चे बड़े तंग आते हैं ऐसे लीडर्स से तो आपको टीचर्स को ये करना है कि वो लीडर को उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ चेंज करते रहें जो बच्चा ग्रुप में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे उसको लीडर बना दें ये एक इंसेंटिव बच्चों के लिए होता है और उनके लिए बड़ा ही एक यू नो फीडबैक भी है और पोटेंशियल भी उनका इंक्रीज़ होता है कि हमें अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें लीडर बना दिया जाएगा ग्रुप का तो टीचर एक एक काम से कई फ़ायदे उठा सकती है एक तो ये स्ट्रेटजी है कि वो मुख्त जो एबिलिटीज़ हैं बच्चों की उनको इकट्ठा करें और इससे जो है बच्चे काफ़ी जो है वो सीखते हैं दूसरा करिकुलम शुड बी एज़ फ्लैक्सीबल एंड डिफ्रेंशिएटेड एज पॉसिबल अब करिकुलम जो है वो फ्लैक्सीबल किस तरह किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें हमें तो हर वक्त जो है ना एक करिकुलम हमें मिल गया है तो वी नीड टू यू नो कम्प्लीट इन टाइम तो क्लास भी सौ सौ बच्चे बैठे हुए हैं हमारी में तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए उसमें यह है कि फ्लैक्सीबल का मतलब ये है कि आपने जब ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया तो फिर जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप ग्रुप में उसकी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट के तौर तो पे उसको डिवाइड कर सकते हैं और आसान कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बच्चों को असाइनमेंट की सूरत में दिए जा सकते हैं तो करिकुलम तो वही रहेगा लेकिन फ्लैक्सीबल से मुराद यह है कि आप उसको तीन चार हिस्सों में डिवाइड कर लें कुछ असाइनमेंट्स कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ मिड टर्म से पहले अगर सेमेस्टर सिस्टम है अगर एनुअल सिस्टम है तो फिर उसके तीन चार टर्म्स के हिसाब से उसके हिस्से बना लें और इस तरह हर एक टर्म का एग्ज़ाम भी लेती रहें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप अपना पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से छोटे छोटे कोइज लेते हैं और टेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसको पढ़ते हैं अगर आप एकदम से जाके मिड के करीब जाके आपने सिर्फ उनसे पूछना है तो फिर बच्चे रोज़ का हमारे कल्चर में ट्रेंड नहीं है कि हम डेली स्टडी हैबिट्स अपनी हमने डेवलप की हों सारे बच्चों में सो आई सजेस्ट दैट यू मस्ट यू नो गेट फीडबैक फ्राम द स्टूडेंट्स बाय गिविंग दैम डिफरेंट को तो छोटे छोटे जो हैं वो ज़रूर उनसे लें जिससे बच्चे को ये होती है मोटिवेशन कि मेरा चूँकि टेस्ट होना है इसलिए वो आपका अच्छी तरह से सुनेगा भी लेक्चर और उसके बाद उसकी प्रपरेशन भी करेगा तो उसके बाद इट शुड हैव द प्रोविजन फॉर अ नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड कोर्सेस डाइवर्सी वाईफाइड कोर्सेज़ प्राइवेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो पॉसिबल हैं लेकिन स्कूल लेवल पे जहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक करिकुलम मिला होता है जिसका एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड का होना है या फिर एनुल होना है तो उसके लिए वो बाउंड होते हैं तो अब बाउंड करिकुलम जो है ना उसके लिए आपने बच्चों को सिर्फ जो ग्रुप एबिलिटी ग्रुप्स हो सकते हैं उनकी जो है पेयर वर्क हो सकता है या टीचर जो है वो उनको मुखलिफ़ असाइनमेंट और प्रजेंटेशंस में डिवाइड करके इंटरेस्टिंग बना सकती है क्लास में जो है वो रोल प्लेइंग भी हो सकती है कुछ टॉपिक्स को बच्चे रोल प्ले भी कर सकते हैं तो ये सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके साथ करिकुलम को इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है और वो ये जनरल प्रोविजंस हैं जनरल प्रोविजंस हैं कि टीचर को अपनी आम क्लासरूम में बच्चों के साथ जो है वो किस तरह से उसने अपनी मेथोडोलॉजी को उनके अकॉर्डिंग बनाना है तो यहाँ पे चूँकि अभी हम एक आम क्लासरूम की जिक्र कर रहे हैं जिसमें आपके पास जीनियस बच्चा भी है जिसमें आपके पास एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा भी है जिसमें आपके पास स्लो लर्नर्स भी हैं तो अभी हम वो ख़ास टैलेंट वाले बच्चे और ख़ास डिसबिलिटी वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे सो जनरल प्रोविजंस आम क्लास के लिए जो है वो यही है कि टीचर अपनी मैथडोलोजी को इंट्रस्टिंग uh, बनाए और अपने करिकुलम को जो है वो फ्लैक्सीबल इन द वे दैट शी और ही कैन divide into different you know uh, phases then the workload would be uh, basically divided and students will not feel anxiety or uh, stress to how to complete the course so these are the suggestions for general provisions for teachers